सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी? तो यार आज आपके लिए मैं कमाल के टॉप 5 ऐसे सैडल्स लेकर आया हूँ जो कि आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के ग्राफिक को भाई बहुत अच्छा कर देगा, आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड ये टॉप 5 सैडल्स रैंकिंग बेस्ट सैडल्स हैं, सो इसका मतलब ये है कि सारे सैडल्स एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। तो अगर आप स्किप करने की सोच रहे थे, आप सोच रहे थे लास्ट वाले पार्ट को बस देख लूं, तो ऐसा मत करना, पूरी वीडियो देखो, सारे सैडल्स एक से बढ़कर एक है। एंड मैं मेक श्योर करता हूँ आपका कैसा भी फोन हो सारे के सारे चलेंगे, बट आपको चूज करना है आपका कौन सा फेवरेट होने वाला है। तो पूरी वीडियो आप देखो एंड आपको जो पसंद है उसी को डाउनलोड करना, और सारे पसंद है तो सारे भी कर सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। एंड इसी के साथ जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो गाइस। 5 नंबर पे जो हमारा सैडर आता है वो है सेलमोन सैडर। बट एक मिनट, ये कैसा नाम है? शायद सेलमोन भाई ने बनाया क्या? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? Just kidding. तो यार मजाक से हट के अभी हम बात करते हैं इस सैडल के बारे में। तो लुक देख सकते हो, काफी क्लासिक लुक प्रोवाइड करता है आपको, वेनिला टाइप का लगता है। एंड देख सकते हो काफी कुछ, एंड इसका वाटर जो है काफी सिंपल है जैसा पहले था, बस वैसा ही है, थोड़ा सा इसको इन्हेंस कर दिया गया है इसके अंदर। और रात का सीन आप देख सकते हो, रात को इसका लाइटिंग काफी अच्छा लगता है, चमकता है, काफी सही लगता है प्रॉपर आपको देखने में, कुछ इस तरह का आपको क्लासिक लुक दिखता है देखने में। सनराइज की बात करते हो, सनराइज आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखता है, काफी सही है, काफी क्लासिक दिखता है, नॉर्मल से इसके चरकोन सन है तो सन कुछ खास तो है नहीं। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट सैडर की तरफ। 4th नंबर पे जो हमारा सैडर आता है वो आता है 1-2-3 सैडर। भाई नाम काफी अजब का है बट इसका काम भाई बहुत मस्त है। देखो काफी ज्यादा रंगीन सैडर है, थोड़े क्लासिक लगते हैं बट क्लासिक रहते हुए भी इसके लुक जो है काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, काफी ज्यादा रंगीन दिखता है। एंड रात का सीन वगैरह मैं आपको दिखाऊँ, काफी सही लगते हैं इनके। एंड आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर का एरिया जो कि हमारा आसमान है, वो काफी ज्यादा सही लगता है। एंड इसका सन जो है काफी ज्यादा रियलिस्टिक वाइब देता है, लगता है कि भाई रियल है। बट इसका जो वाटर है वो उतना ज्यादा हम पे इम्पैक्ट नहीं कर पाता है, वाटर कुछ खास नहीं है इसका, कुछ ऐसा है नॉर्मल सा है। लेकिन अगर वाटर को इग्नोर किया जाए तो लुक काफी अच्छा है। रात का सीन आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है रात को, रात के सारे चीज आपको काफी ज्यादा इनहेंस लगते हैं देखने में, तो ये बात है इनके। एंड आप देखो यार, लग रहा काफी दिवाली का माहौल आ गया है ना, काफी लाइट जो है काफी ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। एंड सनराइज में आपको कुछ इस तरह का दिखता है, सनराइज में भाई रियल सनराइज का फील आ रहा है, बट जो इसका वाटर है वही थोड़ा सा भाई काम खराब कर दे रहा है। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट सैडर की तरफ। जो हमारा 3rd नंबर का सैडर है वो है DSPE सैडर। एंड ये सैडर भाई वाकई में काफी ज्यादा कमाल का, इसके लुक्स काफी अच्छे हैं। एंड इसके वाटर में आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, इसके वाटर पहले 2 सैडर जैसे नहीं है, इसके वाटर एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड इनके कलर्स भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है, एंड ये थोड़ा क्लासिक से ज्यादा बेटर लगता है। एंड इसके अंदर अगर आप टेक्सचर लगाओगे, टेक्सचर पैक, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये बात भी है। एंड गाइस देख सकते हो इसका वाटर काफी ज्यादा भाई रिफ्लेक्शन है वाटर के अंदर, मछलियां भी आप क्लियरली देख पा रहे हो, जैसे मछलियां डांस करें उनको भी आप देख पा रहे हो, तो ये लुक जो है काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। एंड भाई लाइटिंग वाइटिंग की बात करी जाए जो कि ऐसे देख पा रहे हो तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में लाइटिंग। और रात का सीन देखो भाई, अरोरा आपको दिखता है रात में, जितने भी आसमान के एरिया उसमें आपको अरोरा दिखेगा, काफी सही लगता है भाई। एंड चमकता काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड यार मैंने देखो एक स्टैचू रखा था, वो कितना ज्यादा कमाल का लग रहा था देखने में। एंड रात का सीन ओवरऑल भाई पहले वाले दोनों सैडर से काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा इसके कलर्स पंची एंड इनहेंस लगते हैं। एंड भाई बहुत ज्यादा अरोरा वाला जो इनका बादल है वो अच्छा लगता है। एंड सनराइज देख सकते हो, सनराइज तो भाई फिल्मी सीन की तरह लग रहा है, फिल्म में होता है सिनेमेटिक, वैसा भाई सनराइज है। और अभी चलते हैं अपने दूसरे नंबर के सैडर की तरफ। एंड गाइस हमारे दूसरे नंबर का जो सैडर आता है वो है BSL एडिटेड सैडर। ये नॉर्मल BSL से थोड़ा अलग है क्योंकि ये भाई लो एंड फोन में भी चलता है और इसके कलर को थोड़ा और ज्यादा बूस्टेड किया गया है। और इस सैडर की पहली खासियत की बात करी जाए तो वो भाई इसके बारिश में देख सकते हो छींटे आपको पानी की दिखेगी काफी अच्छे तरीके से। और इसके ग्रास ब्लॉक में आप एक पॉलिश साइन देख सकते हो, वो साइन काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो नॉर्मल BSL सैडर में भी रहता है। और इसके वाटर काफी ज्यादा अच्छे है भाई, ये वाटर भाई पिछले वाले सैडर से भी ज्यादा अच्छा इसके वाटर है। एंड इसके वाटर में आपको एक रिफ्लेक्शन दिखेगा जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तीखा रिफ्लेक्शन है। एंड ओवरऑल ये रिफ्लेक्शन काफी सही लगता है। और दूसरा है आपका खुद के बॉडी का जो शैडो होता है वो आपको काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड ये शैडो काफी डार्क भी है तो इसलिए अच्छा लगता है देखने में। अभी हम आ जाते हैं कुछ और डिटेल के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो हम इस एरिया में आ चुके हैं और यहाँ का आप डिटेल देख सकते हो, आप ग्राफिक देख सकते हो, सीढ़ियों की डिटेल देख सकते हो, काफी ज्यादा बेहतर लगती है, काफी सही लगती है। एंड अगर बिना आप टेक्सचर पर खेलोगे तो कुछ कुछ चीजें आपकी क्लासिक लगेगी, जैसे कि आपकी इधर की चीजें देख सकते हो थोड़ी थोड़ी क्लासिक लगेगी, बट अगर आप इसमें टेक्सचर पैक लगाते हो तो भाई बाय गॉड काफी ज्यादा
अच्छा लगेगा भाई, लुक काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। अभी हम रात को सीन में आ चुके हैं और रात को देख सकते हो पॉलिश साइन आपको ग्रास ब्लॉक के ऊपर देखेगी जो कि सुबह में दिखती है, और देख सकते हो भाई आपका मून में आपको देखने को मिल जाएगा फ्लेयर लेंस, तो ये भी अच्छा लगता है। और गाइस रात के टाइम में भी ग्रास ब्लॉक के ऊपर आपको पॉलिश साइन देखने को मिलता है जो कि सुबह में मिलता है, तो ये चीज थोड़ा सा अच्छा लगा। और थोड़ा सा भाई भूतिया रात लगता है, लाइट आपका मून जो है चमकते रहता है, रात थोड़ा वाइट लगता है, इसको क्या बोलते हैं फिल्मों में, हमें बसिया की रात शायद बोलते हैं, यही बोलते हैं। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। सनराइज देख सकते हो गाइस, सनराइज का सीन कुछ ऐसा लग रहा है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वाटर के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अभी चलते हैं अपने लास्ट सैडर के ऊपर। और गाइस जो नंबर वन डिजर्व कर पाया है सैडर वो है OSBES सैडर, और इसको आप मोबाइल का आर्टिक सैडर भी बोल सकते हो, क्योंकि इस सैडर के जो रिफ्लेक्शन है वो भाई काफी ज्यादा रियल टाइम लगते हैं, और इसके कुछ ब्लॉक्स में अपने फेस को भी आप देख सकते हो, इतना ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन है। और इस पेड़ के पत्ते पे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो, जैसे मैं मूव कर रहा हूं वो आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, वाटर के ऊपर भी आपको सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा वाटर जो है अच्छा लगता है, एंड ब्लूइश वाटर है जो कि ऊपर से देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, एंड मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था उसमें भी सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। एंड इसका आप देख सकते हो सन वगैरह बादल वगैरह कैसा लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंड इसके अंदर टेक्सचर पैक लगाओगे तो भाई मजा आ जाने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। एंड गोल्ड ब्लॉक के ऊपर आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो, कितना ज्यादा रिफ्लेक्शन अच्छा लग रहा है, मतलब यार गोल्ड भाई गोल्ड लग रहा है दिखने में, गोल्ड ऐसा ही दिखना चाहिए, तो ये चीज काफी ज्यादा सही लगा। एंड डायमंड देख सकते हो गाइस, डायमंड और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, डायमंड भाई बिल्कुल लग रहा है, क्या बोलूं मैं, डायमंड काफी ज्यादा सही लग रहा है, एंड रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा अच्छे हैं। और आयरन ब्लॉक देखो भाई, लिटरली में ये लग रहा है कि आयरन ब्लॉक है, इसको आयरन ब्लॉक हम बोल सकते हैं क्योंकि इसके रिफ्लेक्शन देखो भाई, जैसे लोहे के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है वैसे आयरन ब्लॉक के ऊपर अभी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और अगर आप नाइट टाइम में स्विच करते हो तो भाई सबसे ज्यादा ब्राइट भाई इसी सैडर के लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइट्स काफी ज्यादा ब्राइट लगते हैं सारे लाइट्स आपको, जैसे कि आप आयरन ब्लॉक देख सकते हो, रात को आयरन ब्लॉक कुछ ऐसा चमकता है, एंड अगर मैं लाइट लगाता हूं तो आयरन ब्लॉक और भी ज्यादा चमकता है, डायमंड के साथ भी सेम बात है, एंड हमारा गोल्ड है उसके साथ भी सेम बात है, और इस तरह से जितने ब्लॉक्स है सारे ब्लॉक्स के साथ आपको सेम चीज देखने को मिलेगा, तो रात में सबसे ज्यादा ब्राइट है वो भाई यही सैडर है, तो इस सैडर की सबसे ब्राइटनेस का विषय लगी। एंड आप देख सकते हो भाई रात को हमारा मून कैसा लग रहा है भाई, थोड़ा सा गुलाबिश लग रहा है, एंड भाई सही लग रहा है भाई। एंड सनराइज की बात करी जाए तो भाई देख सकते हो सनराइज कितना ज्यादा भाई अच्छा लग रहा है, सिनेमैटिक लग रहा है बिल्कुल देखने में, जैसे हमारा थर्ड सैडर लग रहा था तो बिल्कुल भाई फर्स्ट वाला भी सिनेमैटिक लग रहा है देखने में। तो गाइस ये तो आपने देखे टॉप 5 सैडर्स, और इनमें से बताओ आपका कौन सा फेवरेट सैडर, आप कौन सा डाउनलोड करने वाले हो भाई इस वीडियो के बाद। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में सारे सैडर्स के लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरा पर्सनल पूछो तो भाई OSBES सैडर था, ये मुझे काफी पसंद आया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो भाई वीडियो को कर दो लाइक, क्या करो लाइक कर दो, भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस आती रहती है मेरे चैनल पे, तो वो सब वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखो गाइस।